जैसे पूरे पोर्स खुल के। और ये रिया, रिया 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 वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फाइजा आईटी। कैसे हो आप सारे? मजा आया। और मैं अभी बाहर यहाँ खड़े होकर नजारा देख रही थी और मुझे याद आया कि पूरा होटल तो हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं। आज हम पूरा होटल एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हैं। ये पहले ट्राई करो। ये वही है फेरो रोशर्स। हाँ गाइस, जीनू को हमने कहा कि हम लोग ऊपर स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो ये देखो क्या हरकतें कर रहा है। जीनू ऐसे होटल में पूरा घूम रहा होता है जैसे होटल इसने खरीदा हुआ है। बात तो सही है। क्या हुई? What happened हबीबी? Wow guys, guys हम लोग पहली दफा ऊपर आए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे जकूजी भी है। आज मजा आएगा। ये पानी 38 डिग्री तक लोगा। गर्म है? गर्म है? बहुत गर्म है? नहीं मतलब बहुत तो नहीं है। अभी और गर्म होगा ना। ऑन है ये? ये ऑन ऑफ नहीं होता। गाइस सामने अंकल भी बैठे हुए हैं आराम से स्विमिंग पूल में। मेरा मन इस तरह जाओगी इसके अंदर? मैं जा ही नहीं रही। कौन जा? नहीं नहीं जाओगी, पाऊं तो रखोगी यार। पागल हो? पूरा नहीं ना पूरा। अब ये गर्म है। ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गर्म है पूरा। बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, ठंडा नहीं है। गाइस ये तो घुस गया अंदर। सुनो आप इसमें नहाने के बाद वाले बड़े वाले स्विमिंग पूल में जाओगे ना? नहीं मैं कैसे जाऊंगी? ऐसा लगेगा यार ऐसे बीमार हो जाएंगे। पता है गर्म से एकदम ठंडे में नहीं जाना चाहिए। पहले उधर जाओ फिर इधर आओ। यहाँ पे आराम से आप सनबाथ ले सकते हो लेट के और वहाँ पे आप अपने खाने के लिए कुछ मंगवा सकते हो। ये जो है स्विमिंग पूल ये थोड़ा बड़ा है पर ये ठंडा पानी है गाइस। और ये बच्चों का है। पर अब पानी से निकल के एकदम ठंडे पानी में कैसे जाएगा? नहीं नहीं ठंडा नहीं है, वैसे ही कह रहा है गर्म गर्म है। गाइस हम लोगों ने मैंगो शेक और स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया था तो वो भी आ गया। ये तो मेरा था। आपका मैंगो झूठा है गाइस। वैसे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे पहले कॉस्ट्यूम पहन के और फिर जाना। क्या है यार, मतलब फिर वीडियोस पिक्चर्स में फिर वही वाली लुक आ जाएगी जो जब मैं डूब गई थी पानी में तब जो लुक आई थी। लोगों की गाइस फ्लाइट है सुबह की ये फाइनली। और बहुत मिस करूंगी मैं इन लोगों को और मैं अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ पे। अभी तो दिल लगा हुआ सब है, फिर कोई भी नहीं होगा। गाइस कॉस्ट्यूम तो मैंने चेंज कर लिया है। अब गाइस जाएंगे सीधा जकूजी में, बहुत मजा आएगा। यहाँ से प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी दीवानी। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में। तो गाइस अभी हम लोग जैकूजी में से तो निकल आए हैं और चीनू फिर ठंडे पानी में आ गए। चीनू क्या है मसला है? ठंडे पानी में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है यहाँ पर मजा। अब हम थोड़ी देर ना तो गाइस धूप सूप वाले साइड पे बैठने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं वो कितना गर्म है। ये वाला बहुत सही है, बहुत गर्म, बहुत मजा आ रहा था। गाइस यहाँ से तो हम लोग फ्री हो गए, अब हम नीचे जा रहे हैं सोनाबाद लेने के लिए। और एक्साइटेड? नो, गजब बेइज्जती है। गाइस हमारे होटल में जिम भी था और हमें पता ही नहीं इतने दिनों से। आज 10th डे है यहाँ पे और हमें पता ही नहीं है कि आज जिम भी थी। गाइस ये मेल का है और वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे इकट्ठे नहीं जा सकते, अलग अलग। सर जी इसमें क्या बड़े होने की बात है? क्यों? गोल्ड बात। बात मतलब गोल्ड बात। गोल्ड बात वहाँ यार इसमें गीले तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं पर बस स्वेटिंग होगी। पहले नहीं गई कभी भी? नहीं गई ना मैं। या उसमें ही होगा बस, आपको वो टेम्परेचर चेक कर देंगे, हीट हो जाएगी पूरे रूम में। इट वुड बी अ वुडन रूम। ये गाइस चेक करो, चेक करो गाइस, ह्यूमिडिटी नहीं अभी। ये देखो गाइस हम लोग अपना टेम्परेचर सेट करा रहे हैं क्योंकि रिया को ना बेहोश की हो जाती है, हर जगह जहाँ जाती है बेहोश हो जाती है। सफारी में भी बेहोश हो गई थी तो इसलिए इसको 60 में करवा दिया हमने, थोड़ा लो करा दिया। अब हम जा रहे हैं। बाय गाइस। गाइस ये रहा सोनाबाद, यहाँ पर हम लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो चेंजिंग रूम है, वहाँ लॉकर्स होते हैं, वहाँ अपने कपड़े रखवा सकते हैं। और यहाँ पे है शावर वाला सिस्टम, ठीक है ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सच। ये बेबीज़ रूम है अगर किसी के बच्चे वगैरह हैं तो वो वहाँ पे, या डिसेबल लोग यहाँ बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और ये स्टीम रूम है, यहाँ स्टीम देते हैं। ये टॉयलेट्स है अगर किसी को जाना हो तो। और ये रहा सोना।
गाइस ये रहा सोना और टेम्परेचर वगैरह हमने सेट करा दिया और अंदर माहौल चेक करो एक दफ़ा गाइस, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है जब हम चले जाएंगे ना एक दफ़ा। गाइस वो लोग कह रहे हैं कि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है दूसरों की प्राइवेसी की वजह से, हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं सिर्फ मैं और रिया है, तो अंदर जो है वो वीडियो बनानी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बना लूँगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी गाइस कुछ भी। ये देखो गाइस ये रही मैं, चलो चलते हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, गरम गरम सा फील हो रहा है ना। बैठो बैठो बैठ जाओ। और मैं तो पानी से निकल के आई हूँ, मुझे तो बहुत सुकून आ रहा है। मुझे गर्मी में पता है, मुझे गर्मी में ऊपर भी बैठ सकते हैं आप। बेस्ट है क्या मेरे लिए सर्दियों में सोना बात बेस्ट है, मज़ा आ रहा है। ये अंदर गाइस इन्होंने डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर भी डाले हुए हैं, ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा इशू हो आपको लगे कि टेम्परेचर राइज कर रहा है कोई भी इमरजेंसी, तो हम खुद भी लिए एडजस्टमेंट के लिए। और हल्की सी रोशनी इन्होंने धीमी धीमी सी रोशनी रखी हुई है ताकि एक माहौल बन सके। लेट भी सकते हो आप आराम से और फील करो इसको रिया, लेट जाओ रिया और फील करो कि कैसा फील हो रहा है। मैं फील ही कर रही हूँ। ग्लासेस बाहर उतार आती ना, क्यों इस पर वो आ जाएगी, फोग आ जाएगी सारी, स्टीम आ जाएगी इस पे। बाल गर्म हो गए, हाँ सर बिल्कुल गर्म हो गया, और इससे ना इंसान की स्किन के जितने पोर्स होते हैं ना ओपन हो जाते हैं सारे। हाँ हाँ गाइस इतनी खामोशी है यहाँ पे लेकिन मजा आ रहा है। यहाँ पे बल्कि मैं डेली आती यार, अगर पता होता तो 16 बात का नहीं पता। स्टीम बात ली है कभी? आपके पूरे मुंह पे एकदम से पसीना और बहुत मजा आता है स्टीम बाथ में। लेनी है वो? नहीं ये ट्राई करते हैं ना। नहीं नहीं मुझे ड्राई चाहिए बस। ये क्या है, अंदर कोयले भी जल रहे हैं गाइस, चेक करो है? हाँ मैंने तो देखा ही नहीं, कोयले हैं, कोयले रखे हुए हैं, ये देखो जल रही है, जल रहे हैं, जल रहे हैं, हाँ हाँ जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं। ओ भाई ये पता था? नहीं नहीं मुझे भी नहीं पता था। गाइस अंदर कोयले रखे हुए हैं, कोयले जल रहे हैं लिटरली, और इनसे भी हीट आ रही है, यहाँ से भी हीट आ रही है। तो फिर अगर इनका टेम्परेचर यहाँ नीचे से सेट हुआ है इसका मतलब है? इसका सेट नहीं है, ये सिर्फ छोड़ रखे है, बाकियों का सेट कर रखा है। हाँ अगर इसका टेम्परेचर राइज हो गया मतलब 100 डिग्री हो गया, फिर क्या, फिर खुद निकलो बाहर, फिर बेहोश हो जाएगी रिया ऐसे। गाइस पूरा एक घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पे, और पसीना तो आप लोग देख रहे होंगे, पर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून आ गया, बॉडी खुल गई है, जैसे पूरे पोर्स खुल गए। और ये रिया गाइस रिया को क्या हो गया? रिया हाँ सो गई थी। गाइस ये देखो रिया के पसीने सारे, ओ हो मज़ा आ रहा है। गाइस मेरे भी सारे बाल वगैरह ख़राब हो गए होंगे, चले बाय चले थोड़ी देर, यार बहुत गर्म हो गया। रिया उठो उठो, फ़ोन भी ब्लर हो गया पता है, फ़ोन भी ब्लर हो गया, उठो चले आज पसीने आ रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, चलो चले। ये देखो गाइस पसीने पता नहीं नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये देखो गाइस पसीने, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो चले चले। फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ गए, ये रिया का फ़ोन पड़ा हुआ बाहर, मज़े आ गए यार। 88 डिग्री था गाइस अंदर, हमने ना थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था। बाहर इतना सुकून है यार, बहुत सुकून है बाहर, इतना सुकून है गाइस कि बस यार मेरे बाल वापस कर लिए होंगे। क्या हुआ मेरा दिमाग बहुत, क्या हुआ बाहर ठंडा है ना इसलिए, इसको कम करूं थोड़ी देर, अंदर ही बैठ जाओ पता है। नहीं नहीं भारी, आ जाओ पकड़ू पकड़ के रखूं, गिर ना जाना। हाँ बस गिर ना जाना, इधर बैठ जाओ थोड़ी देर पता है, वो एकदम से ओ टक्कर किधर मार दिया, स्किन पे ग्लो आ जाता है गाइस सोना बात लेने के बाद। पानी ठंडा पानी मत पीना एकदम से, क्योंकि ज़्यादा चक्कर आएंगे, गिर ना जाना।
ऐसा लग रहा कंट्रोल हो गया मेरा बस। गाइज ये स्टीम रूम है, इसको भी ट्राई करते हैं, आ जाओ। कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? गाइज मजा आ गया सीम बात लेकर, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था अंदर इसलिए मोबाइल बाहर रख के गई थी। ये देखो गाइज शाइन मेरी बाजू पे है। अभी भी आ रहे हैं? दवाई दवाई तो नहीं चाहिए? नहीं। इधर क्या करना है? इधर से बाहर जाते हैं? यहाँ से नहीं, वहाँ से। नशे में तो नहीं हो? दिमाग काम कर रहा है? ये कितने हैं? गाइज रिया तो अंदर बेहोश हो गई थी, डरा दिया मुझे इसने एकदम से। अब हम लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया, अब हम जाएंगे जिम। चले, ताकत है जिम जाने की। चलो गर्म पानी पीना, इसको ऐसा करो। क्या देखो ट्रेडमिल चल रही है और हर कोई अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। ये देखो गाइस सिखा रहे हैं एक दूसरे को जिम करना। आज तो मज़ा आ गया सोना बात लेके, जिम जाके हर चीज़, वो चीज़ ट्राई की जो मैंने लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की हुई थी, जैसे कि जगूजी, जैसे कि जिम। मैं कभी भी जिम में नहीं गई गाइस, मतलब गई हूँ पर कभी वर्कआउट नहीं किया। आज थोड़ा बहुत किया, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।